हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पे एक महासंकट लाके खड़ा कर दिया है। हम सभी के सर पर एक तरह से मौत की तलवार लटक रही है। तो इससे बचने का सीधा साधा उपाय यही है, सिर्फ एक यही उपाय है, घर के अंदर रहिए। कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई भी इसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 घर से बाहर किसी भी हालत में मत निकलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, OBS स्टूडियो के बारे में मैंने 3 वीडियोस पहले ही बनाई हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हो OBS स्टूडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे, उन्हें OBS स्टूडियो के बारे में कुछ उनकी जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। अगर आपको OBS स्टूडियो के बारे में सब कुछ जानना है, सीखना है, तो आप अगर इन 3 वीडियोस को देख लेंगे तो आपको OBS का पूरा A to Z सब कुछ पता लग जाएगा, आप इसके मास्टर हो जाएंगे। तो आज मैं कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेने वाला हूं, जो उन्हें डाउट कुछ हो रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन चीज़ों को मैं आज क्लियर करता हूं। तो हमारे पहले एक व्यूअर थे, उन्होंने पूछा था कि अगर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी जो PPT होती है उसे OBS स्टूडियो के थ्रू अगर वो अपने स्टूडेंट्स को लाइव दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको अपना OBS स्टूडियो इस तरह से ओपन कर लेना जैसे अभी हमने कर रखा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सीधा आपको सबसे पहले आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसे आपको ओपन कर लेना। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी सेव कर रखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ, फिलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसे, मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया। अब आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है, आप यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर सकते हैं, प्लस के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम लिख दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ PPT लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। आप कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि आपने क्या नाम इसका दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन पर जो हमारी स्क्रीन इस समय डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो पूरा यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो। आप यहाँ पर डिस्प्ले शो अगर लगा दोगे, डिस्प्ले कैप्चर अगर करते हो आप, तो आपके मॉनिटर के डिस्प्ले पर जो भी चीज़ आप शो करोगे वो आप लाइव दिखा सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो भी अगर प्ले करते हो तो वो वीडियो भी आपके व्यूअर्स को लाइव दिखाई देगी। अगर आप यहाँ कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई अगर गेम प्ले कर रहे हैं, वो भी सारी स्क्रीन आप लाइव कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है वो आपका लाइव दिखाई देगा। तो अब हमारा जैसे यहाँ पर हमने डिस्प्ले कैप्चर यहाँ सेट कर दिया और हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन है, ये जो मॉनिटर है इसकी पूरी स्क्रीन आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, आपको स्टार्ट स्ट्रीमिंग करने के बाद जो OBS है, OBS स्टूडियो को आपको मिनिमाइज़ कर देना, इसे आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। जैसे मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया और उसके बाद मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ मिनिमाइज़ कर रखी है इसे ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप अपना शुरू कर सकते हैं स्लाइड शो। जैसे अब मान लीजिए हम ये स्लाइड शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर इस समय केवल हमारी PPT दिखाई दे रही है, यानी हमारे डिस्प्ले पर अगर ये PPT दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है OBS स्टूडियो की स्क्रीन पर भी ये ही दिखाई दे रही होगी। जो डिस्प्ले कैप्चर था वो यही दिखाई दे रहा होगा और यही हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी लाइव यही दिखाई दे रहा होगा। अब आप जैसे भी प्रेजेंटेशन करना चाहते हो आप बोल सकते हो जो भी है, जैसे ये भारत का नंबर 1, जो कुछ भी आपको बोलना है, और स्लाइड को आगे बढ़ाते रहिए। जो भी आपकी PPT है आप आराम से अपने स्टूडेंट को इस तरह से समझा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही आसानी से आप इस तरह से अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई इमेज दिखाना चाहते हैं या फिर आप कोई पुरानी वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लाइव शो करना चाहते हैं उसे आप अपने मॉनिटर डिस्प्ले पर प्ले करेंगे, वो पूरा सीन यानी पूरा डिस्प्ले
आपका व्यूअर्स को दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको विंडो कैप्चर, इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप कोई भी इसका नाम दे दीजिए और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हो विंडो। तो यहाँ आप जब सिलेक्ट करोगे तो मान लीजिए अब आपको कोई भी विंडो, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन, अब आपको कोई भी विंडो अगर लाइव शो करनी है, आप नहीं चाहते कि पूरा आपको डिस्प्ले या मॉनिटर आप पूरा शो नहीं करना चाहते, आप चाहते हो केवल उस एरिया को यानी वो स्लाइड ही शो हो, तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने अभी ये विंडो ओपन कर रखी है, यानी पावर पॉइंट मैंने ओपन कर रखा है, तो इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको विंडो का ऑप्शन आ रहा है, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पावर पॉइंट की जो विंडो खुली हुई है वो यहाँ शो हो रही है, हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप ये देख सकते हो जो पावर पॉइंट वाली विंडो है वो हमारे OBS के स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यानी आप इस तरह से भी बहुत ही इजीली लाइव कर सकते हो। और इसी ऑप्शन को यूज़ करके हम और भी विंडोज़ को शो कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर अगर कोई काम कर रहे हो और आपकी 2, 3, 4 जो भी विंडोज़ अगर खुली हुई हैं उनमें से आप चाहते हो कोई एक विंडो कैप्चर हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से इन दोनों तरीकों से आप बहुत ही आसानी से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी आपकी जो PPT है उन्हें आप लाइव शो कर सकते हैं OBS स्टूडियो के थ्रू। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।